हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनीता देसाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अनीता देसाई हैं, इनका जन्म 1937 में मसूरी में हुआ। मसूरी इंडिया में है। इनकी मदर टोनी नीमे जर्मन थी एंड फादर डीएन मजूमदार बंगाली बिजनेसमैन थे। सी ग्रो अप स्पीकिंग जर्मन एट होम एंड बंगाली हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश एट आउटसाइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देसाई की मदर थी वो जर्मन थी, इसलिए हर बच्चे के ऊपर माँ का प्रभाव हमेशा से ज़्यादा रहता है। तो उसी तरह से जब देसाई अपने घर में रहती थी तो जर्मन भाषा का ज़्यादा प्रयोग करती थी, और जब घर से बाहर होती थी तो बंगाली हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश का प्रयोग करती थी। शी वेंट क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। अनीता देसाई क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली गई। BA English Literature in 1957 from the Miranda House of the University of Delhi. देसाई ने अपना BA English Literature से 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की Miranda House से कंप्लीट किया। Married to अश्विन देसाई, the Director of Computer Software Company. अनीता देसाई ने अश्विन देसाई से शादी की, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर थे। दे हैव 4 चिल्ड्रन। अनीता देसाई एंड अश्विन देसाई से 4 बच्चे हैं। किरण देसाई, जो कि इनकी पुत्री है, वो अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट है। इन्हें बुकर प्राइज मिल चुका है। आगे चलते हैं। इन 1993 सी बिकम अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1993 में अनीता देसाई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्रिएटिव राइटिंग टीचर बनी। सी इज एन इंडियन एंग्लो राइटर हैं ये। आगे चलते हैं इनके वर्क के ऊपर कि इन्होंने कितने वर्क किए हैं या कितनी राइटिंग वर्क्स इनके हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा फेमस इनका जो वर्क है, जो कि ये पहले ही अपनी राइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ये है क्राय द पीकॉक। 1963 में इन्होंने लिखा है। सेकंड है वॉइसेस इन द सिटी 1965 में। नेक्स्ट है थर्ड वेयर सेल वी गो दिस समर 1975 में। नेक्स्ट है फायर ऑन द माउंटेन 1977। फिफ्थ नंबर पे है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज 1978। सिक्स है द पीकॉक गार्डन 1979। सेवेंथ है क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में। एट्थ है द विलेज बाय द सी 1982 में। नाइन्थ है द कस्टडी 1984। नेक्स्ट है टेंथ बम गर्टन्स बॉम्बे 1987 में। एलेवेंथ है जर्नी टू इथागा 1995 में। ट्वेल्थ है फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में। थर्टीन्थ है डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000। फोर्टीन्थ है द जिगजैग वे 2004 में। एंड द रिसेंट नॉवेल है जो अनीता देसाई का, 15th नंबर पे द आर्टिस्ट ऑफ डिस अपियरेंस 2011 में इन्होंने लिखा है। ये सबसे रिसेंट इनका नॉवेल है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं पे हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो क्राय द पीकॉक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड द वॉइस इन द सॉरी वॉइसेस इन द सिटी ये, एंड द फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, एंड द नेक्स्ट वन इज इन कस्टडी, एंड द नेक्स्ट वन इज फास्टिंग फीस्टिंग। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नावल्स हैं, ये किसी भी अवार्ड के लिए कहीं ना कहीं जो है सेलेक्ट हुए हैं, या उन पर कोई इनको अवार्ड मिला है। आगे आते हैं हम इनके अवार्ड्स के ऊपर। ये देखिए अवार्ड्स 1978 में विनय फायर
हॉल्ट बाय मेमोरियल प्राइज फायर ऑन द माउंटेन। ये देखिए मैंने लास्ट में आपको बताया कि ये अवार्ड विनिंग नॉवेल है। 1978 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला। 1980 में शॉर्टलिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। ये 1980 में फिक्शन के बुकर प्राइज के लिए ये इनका जो नॉवेल है शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट है 1983 में गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। ये नॉवेल जो है ना कि ये किस नॉवेल के लिए ये प्राइज इनको मिला है, द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी। ये जो है एक इंडियन फैमिली स्टोरी है। आगे चलते हैं 1984 में शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन कस्टडी। ये अगेन जो है सेकेंड टाइम शॉर्ट लिस्टेड हुई बुकर प्राइज के लिए, फिक्शन के बुकर प्राइज के लिए जो है, जो कौन सा नॉवेल है जो जिसके लिए नामित हुई, ये है इन कस्टडी। इन 1993 में नेल गोन प्राइज इनको मिला। 1999 में शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फास्टिंग एंड फीस्टिंग। ये थर्ड टाइम है जब ये बुकर प्राइज के लिए अगेन जो है शॉर्ट लिस्टेड हुई। आगे चलते हैं हम 2000 में अल्बर्टो मराविया प्राइज फॉर लिटरेचर इटली। इन्हें जो ये प्राइज मिला ये इटली की ओर से था जो 2000 में मिला। 2003 में बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन्हें मिला। 2007 में साहित्य एकेडमी फेलोशिप ये इनको मिली। आगे चलते हैं 2014 में इन्हें पद्म भूषण मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो देसाई थी वो बुकर प्राइज उन्हें भले ही नहीं मिला हो, लेकिन वो कितने टाइम्स बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई या उनके जो नॉवेल्स थे कितने टाइम्स जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 times किस किस के लिए हुए थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है बुकर प्राइज क्लियर लाइट ऑफ द डे के लिए है। नेक्स्ट टाइम पे ये इन कस्टडी के लिए, एंड द थर्ड है फास्टिंग एंड फीस्टिंग के लिए। तो ये तीनों याद रखना है आपको। अब हम इनके अगले वीडियो में इनका जो सबसे फेमस नॉवेल था, जो सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा था, क्राई द पीकॉक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कमेंट मी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।